शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबका रमज़ान उल मुबारक बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली कहानी मेरे साथ फारूक शेयर कर रहे हैं कराची से। फारूक कहते हैं, आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी और सबक आमोज़ कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 15 साल पहले की बात है। हम लोगों ने बीए के एग्ज़ाम्स दिए तो हम सारे दोस्त फ्री होते थे। हम लोगों का एक दोस्त था अकबर। हम लोग रात देर गए उसके ड्राइंग रूम में बैठ कर लूडो खेला करते थे। हम 6-7 दोस्त थे। पता ही नहीं चला इतनी रात हो जाती थी। जब हम लोग अकबर के घर जाते थे तो हम लोग मलेर नदी वाली साइड से उस रोड से गुज़र कर जाते थे। जो भी लोग कराची से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते हैं कि उस तरफ सारे फार्म हाउसेज़ हैं और उस तरफ बहुत से कब्रिस्तान भी हैं। एक रोड ऐसा है जिसके एक तरफ सारे फार्म हाउसेज़ हैं और दूसरी तरफ सारे कब्रिस्तान। नहायत खौफनाक रास्ता है। वहाँ पर एक ऐसा बंगला था जिसके बारे में मशहूर था कि वो एक भूत बंगला है और आजकल के दौर में भी वहाँ पर भूत जिन्नात सब दिखाई देते हैं। अकबर हमें अक्सर लूडो खेलने के दौरान ये कहानी सुनाया करता था कि अकबर के मामू एक रात उनके घर आ रहे थे तो उनके साथ उसी भूत बंगले के पास एक बहुत डरावना हादसा पेश आया था। जब वो अपनी गाड़ी पर इनके घर की तरफ आ रहे थे, रात 1:30 बजे का टाइम था, तो उस घर के बाहर से भागती हुई एक लड़की आई। उस लड़की ने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और सड़क के किनारे आकर रुकने का इशारा करने लगी। अकबर के मामू ने जब रात का टाइम देखा, 1:30 बजे के वक्त, ये लड़की कौन हो सकती है जो रोड पर आ गई है? देखा तो बहुत खूबसूरत कोई लड़की थी और वो अपनी मदद के लिए पुकार रही थी और ये कह रही थी कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, उस घर में मेरी बहन है, वो मर जाएगी, मेरी मदद करो। लेकिन वो ये नहीं बता रही थी कि इसकी बहन को क्या हुआ है। तो जैसे ही अकबर के मामू गाड़ी से बाहर उतरे तो उसके पीछे उस घर की जानिब जाने लगे। उस घर के शुरू होते ही काफ़ी ज़्यादा दरख्तों का सिलसिला था। उसके अंदर वो घर था। तो जैसे ही उसके मामू उस औरत के पीछे पीछे जाने लगे तो उन्होंने देखा वो घर के दरवाजे के पास जाकर बैठकर रोने लग गई। अकबर के मामू ने ये पूछा कि क्या मसला है, क्या हुआ है आपकी बहन को, बाकी घर वाले कहाँ हैं? तो देखते देखते जैसे उसने पीछे पलट कर देखा तो वो बहुत भयानक कोई मखलूक थी। उसका पूरा चेहरा ही बदल गया। वो बहुत खौफनाक थी। तभी उसी घर की खिड़की में से एक और डरावने चेहरे वाली औरत ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अकबर के मामू बहुत बहादुर थे। उन्होंने अपने हवास काबू में रखे और वहाँ से भागना शुरू कर दिया और अपनी गाड़ी दौड़ाते हुए इनके घर पहुँचे। लेकिन वो बहुत बीमार रहे। उनका ये कहना था कि वो भूत बंगला है, मैंने वहाँ पर जिन्नात को देखा है, जिन्नियों को देखा है, तुम लोग कभी भी उस तरफ मत जाना। लूडो खेलते खेलते हम लोगों की शर्त लग गई कि हम लोग उस घर में से, हम लोगों में से कोई भी जाकर रात गुजारेगा तो उसको 10,000 इनाम मिलेगा। हम लोगों के 2-3 दोस्तों ने तो साफ मना कर दिया कि हमें 10,000 नहीं चाहिए, हमने उस घर में नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर बारी आई मेरे ऊपर और अकबर के ऊपर। फाइनल हम 2 कंटेस्टेंट थे। हम दोनों ने उस घर में एक रात गुजारनी थी। हमें तो अभी ये भी नहीं पता था कि वहाँ पर कोई रहता भी है या नहीं। शर्त तो हम लोगों ने लगा ली। अब हम लोगों ने नेक्स्ट डे जाकर उस घर की रेकी करनी थी, उस घर को देखना था, फिर वहाँ पर रात गुजारनी थी। हम सारे दोस्त काफ़ी देर तक लूडो खेलते रहे। वापस जब घर आए किसी को इस बात का पता नहीं चलने दिया। हम लोग इस चीज़ को जस्ट एज अ फ़न ले रहे थे। नेक्स्ट डे तकरीबन दोपहर 1-1:30 बजे का टाइम था। हम सारे अकबर के घर पे इकट्ठे हुए। वहाँ से हम लोग अपनी बाइक्स पर उस भूत बंगले की जानिब जाने लगे। हैरत अंगेज़ बात ये थी कि वो बाकियों के कंस्ट्रक्शन से काफ़ी हटके था। उसके आसपास कोई घर भी नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ दरख्त और ऐसी चीज़ें। उसके सामने वो सड़क और सामने कब्रिस्तान। बहुत पुरसरार घर था, बहुत खौफनाक घर था। हमने वहाँ पर एक और चीज़ भी नोटिस की, वहाँ पर जो दरख्त बने थे उनके आसपास ऐसा महसूस हो रहा था कि कब्रें बनी हुई हैं। अब वो कब्रें थी या मिट्टी के ढेर समझ में नहीं आ रहा था, डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल था। वो कब्रनुमा मिट्टी के ढेर क्यों बनाए गए थे हम नहीं जानते। चंद दरख्तों के दरमियान में वो 6 से 7 थे। घर पूरी तरह से बंद था, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितने साल पुराना ये भूत बंगला है। देखते हुए भी वो भूत बंगला ही लग रहा था। ताले लगे हुए थे। चलते चलते हम लोग उस घर की बैक साइड पर आए तो उसकी आधी दीवार टूटी हुई थी, वहाँ से आसानी से अंदर आया जाया जा सकता था। बस हम लोगों की शर्त के मुताबिक हम लोग वहाँ पर रात गुजारने के लिए तैयार थे। आज पहली रात थी तो मैंने जाना था, नेक्स्ट डे अकबर ने जाना था। हम लोग वापस अपने अपने घरों में चले गए। उसके बाद शाम 8 बजे के करीब हम दोबारा अकबर की तरफ गए। काफ़ी देर हम लोग वहाँ पर बैठकर गप्पे मारते रहे, खाना खाया, लूडो खेलते रहे। 12 बजे शर्त का टाइम शुरू हो चुका था। मेरे दोस्तों ने यह कहा कि ठीक है चलो तुम्हें भूत बंगले की तरफ छोड़ कर आते हैं, तुमने रात वहाँ पर गुजारनी है। अगर चीटिंग करोगे तो पकड़े जाओगे, अगर बच गए तो हमें बताना तुम्हारे साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ। मैंने ये कहा कि कुछ भी नहीं होगा, ये सब बातें हैं, महज बातें हैं, इस तरह से कोई भी जिन्नात नहीं होते हैं। एनीवेज़ हम लोग सारे अपने बाइक्स पर निकले। उन लोगों ने मुझे उस भूत बंगले के थोड़ा ही दूर उतार दिया। बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल खामोशी थी। पहले तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपना बंदोबस्त करके आया था। मेरे पास बिल्कुल पॉकेट साइज़ की सूरत यासीन थी, वो मैंने अपनी पॉकेट में रखी हुई थी। मैं उस भूत बंगले की तरफ बढ़ता जा रहा था। उन दरख्तों को जो ही मैंने क्रॉस किया मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहाँ पर कोई मौजूद है। मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो ऐसा लगा कि वो जो कब्रनुमा मिट्टी के ढेर थे वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। उसने काले रंग का लिबास पहना हुआ था। मैं डर गया और मैंने पूछा कौन है वहाँ पर, लेकिन एकदम में वो जैसे मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं बहुत डर गया। पहले सोचा यहाँ से वापस चला जाऊँ, अगर मुझे कोई कुछ हो गया, मुझे कोई नुकसान पहुँचा दिया इस मखलूक ने तो मैं क्या करूँगा। लेकिन अब मेरी इज़्ज़त का सवाल भी था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करके आया हुआ था बढ़ चढ़ के कि मुझे डर नहीं लगता ये वो। अंदर से मैं बहुत डरा हुआ था। फ्रंट से तो उस घर में अंदर दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं था। चलते चलते काफ़ी पीछे उस घर की टूटी दीवार के पास आ गया। हिम्मत की दीवार पर फलांग कर अंदर गया। जैसे ही मैंने उस भूत बंगले में अंदर मैं गया मुझे बहुत डर लगा। मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे कोई सर्द लहर दौड़ी हो, क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ें ऐसी थी जैसे कोई सरगोशियाँ कर रहा है, और वो बहुत ज़्यादा है। मैं वहीं दीवार के पास बैठ गया। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आगे जा सकूँ। थोड़ी देर के बाद ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ पर शायद कोई कमरा था या कोई बरामदा था। एक विंडो सी थी, उस विंडो में जैसे कोई खड़ा हुआ है। आंखें नज़र आ रही थी चमकती हुई। बहुत खौफनाक मंजर था। मैंने सूरत यासीन निकाली, अपने सीने के साथ लगाई और अल्लाह से मदद मांगने लग गया कि या अल्लाह तू मेरी हिफाजत फरमा। पता नहीं मेरे साथ अगले लम्हे क्या हो जाता। तभी मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लग गई। आवाज़ें बहुत भयानक थीं। ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से कोई बिल्ली रोती है। तभी मैंने क्या देखा, उसी बरामदे में से चलती हुई एक काले रंग की बिल्ली बिल्कुल बाहर आई। जिस दीवार के पास मैं बैठा था बिल्कुल मेरे सामने आके वो काले रंग की बिल्ली बैठ गई। वो बिल्ली बहुत डरावनी थी, बहुत खौफनाक आवाज़ें निकाल रही थी। उस बिल्ली को देखकर मेरी टांगें कांप रही थी। वो बिल्ली लग ही नहीं रही थी। उसका बैठना, मुझे देखना, आवाज़ें निकालना, रोना बहुत अजीब था। पर मेरे पास सूरत यासीन थी। मेरा ईमान पुख्ता था कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तभी वो जो बिल्ली थी मेरे सामने वो उठी, दो कदम पीछे हटी और गायब हो गई। अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पर बहुत जन्नात है, ये सच में भूत बंगला ही है। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भागो। जब वो बिल्ली गायब हुई, वो खौफनाक आवाज़ें आना बंद हो गई। मैं तेज़ी से उस दीवार से निकला और भागता हुआ बाहर रोड पर आ गया। अभी मैंने वहाँ पर बामुश्किल आधा घंटा भी नहीं गुजारा था। मेरा बाइक वहीं पर खड़ा था। मैंने बाइक लिया और सीधा वापस आ गया। मैंने आके अपने दोस्तों को सारी बात बता दी। वो लोग सब अकबर के घर पर ही थे। उन लोगों ने जब देखा कि ये सीरियस है, इसकी हालत भी ख़राब है, वहाँ पर जन्नात हैं, उन लोगों ने मेरा मजाक नहीं बनाया और ये कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुम वापस आ गए, ये कोई बहादुरी नहीं थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम कभी भी एक दूसरे को माफ़ ना कर सकते। हम लोगों ने यही अकबर को कहा कि तुमने वहाँ पर नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। अकबर ने कहा नहीं, मैं भी जाऊँगा, अगर ये जा सकता है तो मैं भी जाऊँगा, कुछ भी नहीं होगा। मैंने उन्हें ये बात नहीं बताई थी कि मेरे पास सूरत यासीन भी थी। ये बात मैं छुपा गया। अकबर वहाँ पर चला गया। हमने अकबर को बहुत मना किया कि वहाँ पर मत जाओ, वो जगह ठीक नहीं है। उसने जिद बांध ली। उसी वक्त उसने बाइक लिया और उस भूत बंगले की तरफ चला गया। अगली रात का भी इंतज़ार नहीं किया। हम लोग बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं। हम लोगों ने उसे बहुत रोका लेकिन वो चला गया। फजर की अजान हो गई। हम लोग बहुत डर गए। अकबर वापस नहीं आया। हम लोगों ने बाइक लिए और हम लोग दूर उस भूत बंगले पर रोड पर आकर खड़े हो गए। तभी हम लोगों ने देखा एक औरत थी, लंबे बाल थे उसके, उसने व्हीलचेयर पर किसी को बिठाया हुआ था। वो उसी भूत बंगले से बाहर निकली और जिस तरफ कब्रिस्तान थे, सड़क क्रॉस करके वो व्हीलचेयर लेती उस तरफ चली गई। हम लोगों की तो जान निकल गई कि कहीं अकबर को किसी ने नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। हम लोग भागते हुए सारे उस भूत बंगले की तरफ गए। देखा तो अकबर उसकी पिछली दीवार के पास बेहोश पड़ा था। हम लोगों ने जल्दी से अकबर को उठाया, उसके घर लेकर आए। उसे होश नहीं आ रहा था। उसके घर वालों को भी पता चल गया। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि ये डीप शॉक में है। उसके चेहरे के ऊपर ऐसे निशान थे जैसे उसके चेहरे के ऊपर किसी ने नेल्स बहुत ज़ोर से जैसे स्क्रैच करते हैं। उसके चेहरे के ऊपर ऐसे निशान थे। ज़ख्मी उसका चेहरा था और गर्दन के ऊपर ऐसे फिंगरप्रिंट्स थे जैसे कोई गला दबाता रहा हो। डॉक्टर ने कहा कि इसे होश आ जाएगा। शाम हो गई। वो कल रात से बेहोश था। शाम तकरीबन 7:30 बजे के करीब उसे होश आया। वो चिल्लाने लग गया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हम सब उसके पास थे लेकिन वो किसी को पहचान नहीं पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा डीप शॉक में था। बस वो ये कह रहा था वो मेरे सामने है, वो मुझे मार देगी, वो बहुत भयानक है, वो बहुत खौफनाक है, वो एक नहीं वो बहुत सी है, ऐसे ऐसे बातें कर रहा था। उनके घर वालों ने हमें बहुत डांटा। हमें भी अपनी गलती का एहसास था कि हम लोगों ने हंसी मजाक में ये सब क्या कर दिया। जैसे ही 1-2 दिन वो हॉस्पिटल में रहा, वो कुछ नॉर्मल हुआ लेकिन बिल्कुल खामोश हो गया था। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, हम लोग उसके पास डेली जाया करते थे। पहले तो उसके वालिद साहब हमें उससे मिलने नहीं देते थे, वो इतने नाराज़ थे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि ये इसकी ज़हनी हालत के लिए बेहतर नहीं है, इसको नॉर्मल करने के लिए हमें उसके पास रहना ज़रूरी था। 1 हफ़्ता गुजर गया। 1 हफ़्ते के बाद अकबर ने हमें बताना शुरू किया कि जैसे मैं वहाँ पर गया, मैं उस टूटी दीवार से जब अंदर गया, अभी मैं वहाँ पर बैठा ही था, तो मैं क्या देखता हूँ, उसी टूटी दीवार के पास से 2 औरतें अंदर आईं। वो बहुत भयानक थीं। उनको देखकर जब मैं भागने लगा तो उन्होंने मुझे बालों से पकड़ लिया, घसीटना शुरू कर दिया। वो मुझे तेज़ी से खींचती हुई उस भूत बंगले के अंदर लेकर जा रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे उनसे बच सकता था। वो मुझे घसीटती हुई एक दरवाज़े से अंदर ले गई। अंदर बहुत ज़्यादा भयानक मंजर था। अंदर बेतहाशा औरतें ज़मीन पर बैठी हुई थीं। उनके माथे के दरमियान में एक आंख थी जो जल रही थी और ऐसे लग रहा था कि बहुत से लोग उल्टे लटके हुए हैं। पता नहीं वो इंसान थे या वो जन्नात थे, मैं नहीं जानता। बस ये सब देखने की देर थी। मुझे ऐसे लगा जैसे वो मुझ पर हमला कर देंगी, मुझे मार देंगी। इसी खौफ के मारे मैं बेहोश हो गया। मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ पर था। वो सच में एक भूत बंगला है। अकबर को काफ़ी जगह से दम वगैरह करवाया क्योंकि वो बात करते करते रोना शुरू कर देता था, चीखें मारने लग जाता था जैसे उसे कोई दिखाई देता है। तो जब दम करवाया तो उनका भी यही कहना था ये किसी ऐसी जगह पर गया है जो बहुत ही ज़्यादा आसेबज़दा थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात थे। उन मखलूक़ात का अकबर पर काफ़ी अरसा असर रहा। वो अक्सर अजीबोगरीब बातें शुरू कर देता था और वो अक्सर कहता था कि मुझे वो मखलूक़ात दिखाई देती हैं, मैं जब भी उस रास्ते से गुज़रता हूँ वो मुझे आवाज़ें देती हैं। एक औरत काले लिबास में उस सड़क के किनारे खड़ी होती है जो दूर से मुझे इशारा कर रही होती है। मैं डर के मारे वहाँ से वापस भाग आता हूँ। फिर जिससे दम करवा रहे थे उन्होंने सख्ती से मना किया कि तुमने उस रास्ते की तरफ नहीं जाना क्योंकि वो तुम्हें जानी नुकसान भी पहुँचा सकती है। हमारी इस गलती की वजह से अकबर पर बहुत गहरा असर हुआ। उसका हंसना खेलना बिल्कुल बंद हो गया। 1-2 साल वो बिल्कुल अजीब सा हो गया था। ना हम लोगों के साथ गेट टुगेदर करता था, ना बैठता था, ना लूडो खेलता था, बस गुमसुम सा रहता था। बहुत इलाज करवाए गए उसके। तकरीबन 5 साल के बाद अकबर की डेथ हो गई। वो भी बिल्कुल मिस्टीरियस थी। उन्हीं जिन्नात ने, उन्हीं मखलूक़ात ने उसे जान से मार दिया क्योंकि जितना उसका इलाज करवाना शुरू किया था वो उस पर उतनी ही हावी होती थी। उसके घर वाले ये कहते थे कि उसको दौरे पड़ने लगे थे। इतने इलाज के बावजूद उन मखलूक़ात ने उसकी जान नहीं छोड़ी थी, उसका पीछा नहीं छोड़ा था। एक रात अकबर ने अपने कमरे में ख़ुद को फांसी से लटका लिया। इतना ऊंचा उनका कमरा था और नीचे कोई जगह नहीं थी जिसके ऊपर खड़े होकर वो पंखे के साथ ख़ुद को हैंग करता। बस जब उसके घर वाले सुबह जाके तो वो पंखे के साथ लटक रहा था। बहुत ज़्यादा खौफनाक मंजर था उसके कमरे का। उसके कमरे में जगह जगह पर खून के छींटे भी थे, दीवारों पर भी। बाद में उन्हें आमिर साहब ने बताया कि उन्हीं जिन्नात ने इसको मार दिया था। वो जो जिन्नियाँ थी उस भूत बंगले की आफते चुड़ैलें थी, उन्होंने अकबर को मार दिया था। हमें आज भी बहुत बहुत अफसोस होता है कि हम वो काम ना करते तो शायद हमारा दोस्त हमारे साथ होता। यह हम लोगों की ज़िंदगी की एक खौफनाक और सबक आमोज़ कहानी थी। कभी भी हंसी मजाक में ऐसा कोई काम ना करें, ऐसी कोई बेट ना लगाएं जो किसी के लिए जान का नुकसान बन जाए। यह हमारी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया फारूक आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी नशीनवर्क57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल पर मैंने बहुत हॉरर स्टोरी ऑनर किया, वकास अहमद ने शेयर किया, ज़रूर विज़िट करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ने के बाद।